गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। सबसे पहले तो यार आप लोगों को थैंक यू, जो भी मैंने आईटीआई वाली वीडियोस बनाई, फिल्टर वाली, वेल्डर वाली, एसी टेक्निशियन वाली, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। लगभग हजारों लोगों ने वीडियो देखे, काफी अच्छे खासे कमेंट आए सारे वीडियोज पे। मैंने कई सारे लोगों के कमेंट पढ़े जिन्होंने किए हैं कि भाई आप टर्नर जॉब के बारे में बेसिकली कुछ बताओ। कुछ लोगों ने बेसिकली आईटीआई से कोर्स किया हुआ है, कुछ लोगों ने काम सीखा हुआ है, तो बेसिकली पूछ रहे थे भाई कितनी सैलरी मिल जाती है एज अ फ्रेशर। कुछ लोगों को 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर उनको कितनी सैलरी मिल जाती है और जॉब करने के लिए बेसिकली क्या क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत क्या पड़ेगी जॉब करने के लिए, कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, कितने तक सैलरी मिल जाता है, बेसिकली सारी चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ। पहले मैं रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा कि एज ए टर्नर आईटीआई पे अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो फिर आपको कितनी सैलरी मिल जाती है। तो ध्यान से देखो वीडियो को, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 से 2 मिनट की वीडियो है। पहले फटाफट रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ फिर सैलरी बताता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से एक छोटा स्टेप है आप लोगों के लिए, अगर आपने टर्नर से आईटीआई कोर्स कर रखा है तो आप एक काम करो, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपको सैलरी बहुत ही कम मिल रही है फिर भी सैलरी पर ध्यान मत दो, पहले नॉलेज दो, पहले प्रैक्टिकल करो काम को, उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आप ले लोगे उस पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो 90% चांस होता है कि आपको जॉब मिल जाएगा और अच्छी सैलरी के साथ मिलेगा, ठीक है। फ्रेशर पे जॉब मिल जाएगा तो सैलरी काफी दिनों तक कम मिलती है, फिर आप उतने में ही रह जाते हो, ठीक है। इसलिए जितना हो सके एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो, जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस काफी जरूरी है। सेकंड चीज, इसमें फिजिकल फिटनेस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया था ना, फिजिकली फिटनेस हेल्थ सर्टिफिकेट जो डॉक्टर की तरफ से मिलता है उसको परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो, कोई भी थोड़ा भी कमी रहेगा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड चीज, आपके ऊपर किसी टाइप का केस, पुलिस केस, ऐसा कुछ क्राइम ना हो, ये चीज़ ध्यान देना। फोर्थ चीज, अपना हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस करा लेना। फिफ्थ चीज, अब एबव 18 ईयर ओल्ड हो, मिनिमम 10th और 12th पास होने चाहिए विथ 50% मार्क्स, ठीक है। टर्नर का काम सीखे हुए हो ठीक है, बट मिनिमम 10th और 12th पास होने चाहिए। ये थे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो टर्नर की जो सैलरी होती है एवरेज सैलरी जो कतर में बात करें, इंडियन रुपीज में बात करते हैं, तो आप लगभग 50 to 55,000 रुपये एज ए एक्सपीरियंस पे अर्न कर सकते हो अगर आप 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप लगभग 40 to 45,000 रुपये स्टार्टिंग में मिल जाता है, नहीं तो 35,000 40,000 इसी के बीच मिलता है। एबव 35,000 रुपये आपको मिल जाता है जो फ्रेशर। अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती है। फिर मतलब डाउट तो कमेंट करो। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।